आज मैं उन लेडीज के लिए आई हूँ जिनका एज 45 से 58 के बीच में है। मुझे दो तीन लेडीज के कॉल आए हैं जो कह रहे हैं कि अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अपना अपना काम करते हैं, कॉलेज का स्टडी करते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो हम बच्चों की पढ़ाई लेते थे, जब बच्चे छोटे थे तो वी वेयर कैपेबल कि हम उनकी पढ़ाई ले सके, लेकिन अभी हमें उनका इतना समझ नहीं आता है, उनकी कॉलेज की जो भी चीज़ें हैं। तो सॉरी, तो बच्चे अपना अपना काम करते हैं, हम अपना जो घर में के जो जेंट्स लोग हैं वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हम दिन भर बोर होते हैं या फिर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। इस एज में काफ़ी लेडीज़ की हार्मोनल चेंजेस होती है, काफ़ी लेडीज़ में मेनोपॉज की वगैरह भी चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें टैकल करने में इमोशनली एक लेडी वीक हो जाती है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑन दिस, और हमने क्या करना चाहिए? तो आई विल से कि सबसे आसान सोल्यूशन है बिजी रहना, अपने आप को अपडेट करना। हम क्या सोचते हैं, शादी हो गई, मतलब आपकी जो एज था, जो आपका समय था, जिस समय में आपकी शादी वादी हुई, तो जनरली शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर में खाना पकाना, बर्तन साफ करना, घर साफ करना, ये वो दिस ऑल थिंग्स, ये सारी लेडीज तो घर में करते ही है। लेकिन जो आप ये सारे चीज़ें कर रहे हो, ये चीज़ें करके अभी आपके पास टाइम बच रहा है, क्यों? क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो गए। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो दिन भर उनका उनके पीछे पीछे भागना, भागा दौड़ करना, उन्हें ये खिलाओ पिलाओ, उनकी पढ़ाई लो, इन सब में हमारा टाइम जो समय है वो चला जाता था। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें नहीं होती, अभी ये होता है कि सुबह एक बार खाना पका लो और दिन भर हम फ्री रहते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि वी आर गेटिंग डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ कमी है हमारे जीवन में, कुछ कमी है। तो मैं इसीलिए आपके पास यहाँ आई हूँ कि यही कमी अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है, या फिर आपके बच्चे आपके साथ अभी ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहे हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके साथ कम टाइम बिता रहे हैं, तो इसका ओनली रीज़न इज़ यू आर नॉट अपडेटिंग योर सेल्फ, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है, 21वीं सदी है, 21वीं सदी में खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो आपकी पर्सनालिटी हो या आपका स्पीकिंग हो, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि काफ़ी लेडीज़ मैंने देखी है ग्रेजुएट्स है, या फिर उस टाइम के तो ग्रेजुएट नहीं, सिंपल जो नॉर्मल 12th पास भी अगर है, तो उस टाइम का सिलेबस ऐसा था कि जो बच्चे जो आजकल के ग्रेजुएट बच्चों को नहीं आती है चीज़ें, वो उस टाइम के 12th पास को आती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है इंग्लिश में, बच्चों को हम डालते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, तो लैंग्वेज की वजह से दिक्कतें आती है। लैंग्वेज की वजह से हम गैजेट्स नहीं यूज़ कर पाते, हम मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ कर पाते, क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है ना। कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पोता पोती उनके पास रहते हैं, उनकी बहू है, बेटियां हैं, वो जॉब करती है और वो अपने पोता पोतियों को संभालते हैं। अब घर पे बच्चों को दिन भर खिलाते तो है, यस ऑब्वियसली दादा दादी नाना नानी इसी के लिए होते हैं कि बच्चों को खिलाए, लेकिन अगर आप उन बच्चों की पढ़ाई भी ले सको, तो कैन यू इमेजिन कि आप अपनी बहू का या फिर आपकी बेटी का कितना बड़ा लोड कम कर रहे हो? यस, बहुत बड़ा लोड कम कर सकते हो आप, अगर आप उनके बच्चों को सिखा रहे हो तो। और आपका जो नॉलेज है उनसे आपका भी टाइम अच्छा जाएगा, दिन भर आप उनके साथ टाइम बिता पाओगे, और आपके जो पोता पोती है, जो भी घर में छोटे बच्चे हैं, वो सीख पाएंगे। काफ़ी लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं। आजकल काफ़ी लोगों का इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होता है, जिसमें दो लोगों की भाषाएं अलग अलग होती है, तो और अगर दोनों मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पहले से फॉरेन कंट्रीज में सेटल है, तो उनके बच्चों को दिक्कत आती है मदर टंग में बात करने के लिए। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है कि अगर फॉरेन कंट्रीज में है तो उनके बच्चे इंग्लिश में ही बात करते हैं, क्योंकि जो मदर टंग है, मदर टंग उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है, और इंग्लिश बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, तो जो दादा दादी नाना नानी है वो उनसे बात ही नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज दे डोंट नो लैंग्वेज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि आपने समय के हिसाब से अपडेट नहीं किया। आपके बच्चे तो फॉरेन में चले गए, बाहर रहने के लिए चले गए, लेकिन आप कहाँ हो? आप वही हो। तो प्लीज़ यहाँ पे जो भी बात सुन रहे हैं, तो लेडीज़, अगर आपको लगता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी भर अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी मुझे खुद
खुद के लिए कुछ करना है। यस ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि परिवार को छोड़ दो, परिवार के साथ साथ आपको अगर खुद के लिए कुछ करना है तो प्लीज़ अपडेट योर सेल्फ। आपको खुद को अपडेट करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी तो ठीक है लेकिन आपकी जो लैंग्वेजेस है जिससे आप बच्चों को पढ़ाना है या फिर कम्युनिकेशन है, काफ़ी लोगों के बच्चे अभी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं तो उनके फ्रेंड सर्कल में उनकी कुछ किटी पार्टीज़ है ये वो, काफ़ी जगह पे आपको लैंग्वेज इंग्लिश का इस्तेमाल करना होता है और ज़रूरी है आपको आना। आपके गैजेट्स आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल हर इंसान के पास होना चाहिए, इट इज़ द नीड ऑफ आर सिक्योरिटी के लिए, आप कोई भी उसका रीज़न समझ सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन इज़ नॉट जस्ट फॉर टाइम पास, सिर्फ सोशल मीडिया पे आए एंड ये क्या, नो आपको ये सिक्योरिटी होती है, आपके आपका लोकेशन ट्रैक होता है, आपकी सारी चीज़ें, कभी आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, आज आपको ग्रॉसरी मंगवानी है, आपको सब्जी मंगवानी है, यू कैन यूज़ दैट फ़ोन। लेकिन ये सारे गैजेट्स आने के लिए आपको सबसे पहले आनी चाहिए इंग्लिश, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो इंग्लिश। देखो हिंदी मीडियम वगैरह भी होते हैं लेकिन अगर आप इंग्लिश में करते हो तो ज़्यादा आसान हो जाती है चीज़ें, क्योंकि काफ़ी ऐप मीन्स मैक्सिमम एप्स आर डेवलप्ड इन इंग्लिश है ना। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो इस एज में है, जब लेडीज प्लीज़ एक बार सोचिए कि क्या आपको खुद को अपडेट करना है। अगर आपको अपडेट करना है तो इसके ऊपर मैं एक लिंक दे रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप और यू डायरेक्टली कॉल मी, कॉल नंबर है आप उसको फ़ोन पे कॉल कर सकते हो एंड प्लीज़ थिंक ऑन दिस, इट इज़ द नीड ऑफ आर। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी।